जय हिंद बच्चों, कैसे हो सब लोग। आपको पता है हमने पिछले लेक्चर में हिंदी रोली में पार्ट एक जो है, जो कविता है वो पढ़ी थी, और मैंने बताया था आपको कि उसके शब्दार्थ जो है वो हम अगले लेक्चर में लिखेंगे। मैं यहाँ बोर्ड के जरिए आपको लिखवाऊंगी, और जो प्रश्नों के उत्तर है, मतलब कि पेज नंबर 12 और 13 पर जो प्रश्नों के उत्तर है वो आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, और जो बात भाषा की है वो मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगी बोर्ड पर, और आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है पहले, और उसके बाद हिंदी की नोट में लिखना है। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला है तो हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कहाँ पता चलेगा। आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक जो भी यहाँ से आपको पढ़ाए, मतलब कि जो भी यहाँ से जो भी चैप्टर चले उसका अभ्यासक्रम जैसे हम क्लास में लिखते थे पढ़ते थे वैसे ही आपको लिखना है कंटिन्यू, ठीक है। जब भी स्कूल स्टार्ट होगी तो आपका होमवर्क चेक होगा, उस हिसाब से ही आपको चलना है जो भी यहाँ से आपको मैसेज मिले। प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ के द्वारा मिल जाएंगे, और बात भाषा की हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले मैं आपको शब्दार्थ कुछ है वो आपको समझा देती हूँ। पहला है प्रस्तर। आप सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसे शब्द है जिसका अर्थ मैम ने बोल तो दिया है, लेकिन अर्थ होता क्या है। शब्दार्थ में दिए गए हैं वो सारे अर्थ जो कविता में है, फिर भी प्रस्तर यानी पत्थर, जिसका अर्थ होता है, इन शब्द का अर्थ होता है पत्थर। नींव, बुनियाद, जिस नींव पर प्रस्तर बनकर, मतलब कि नींव पर हम पत्थर बनके, पत्थर की तरह हमें उस बुनियाद को खड़ा करना है। आपको पता है कि जब घर बनता है तो एक एक ईंट से, एक एक पत्थर से बनता है, तब जाकर वो पूरा घर बनता है, और वो घर सारे तूफानों में भी वो टिकता है, जब उसकी नींव मजबूत होती है तब। मानवीय अस्तित्व, मानवीय अस्तित्व मतलब मानव का अस्तित्व, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी पहचान क्या है, मानवता, हमारी पहचान क्या है, मानवता का होना जो अभी धीरे धीरे लोगों में कम होता जा रहा है। लोग गौ हत्या करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, दूसरे की निंदा करना, ये सारा जो है वो हमारा मानवता का अस्तित्व नहीं है। हम इंसान हैं, इंसान हमें कुदरत ने बनाया क्यों, दूसरों की मदद करने के लिए। मानवता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, जो हमारे अंदर धीरे धीरे अभी बहुत ही कम होती जा रही है, जिसको बनाए रखने के लिए आपको अभी जो समय आने वाला है उसमें आपको बहुत कुछ सीखना है। सब जो भी मुसीबत आए उसके सामने आपको लड़ना है, उसके लिए आपका मानवता का होना जरूरी है। आपके अंदर दूसरों की पीड़ा महसूस करने की शक्ति होनी चाहिए। दूसरे अगर कोई दुख में है, कोई मुसीबत में है, तो उसे देखकर हमें उसकी हंसी उड़ाना या फिर उसके तकलीफ़ों में हम खुश हो, ये हमारा मानवता धर्म नहीं है, मानवीय का धर्म नहीं है। हमें दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की पीड़ा में हमें हिस्सा लेना है, पीर में हिस्सा बांटना, मतलब कि दूसरों की पीड़ा में, दूसरों के दुख में, हम दूसरों की खुशियों में तो हिस्सा बांटते ही हैं। मतलब कि जहाँ पर कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, कोई त्यौहार होता है, किसी के खुशी का प्रसंग होता है, तो हम उसमें उसका हिस्सेदार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुशी का माहौल है, उसमें हम बेशक वहाँ पर जाते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब किसी कोई तकलीफ़ में हो, हमारा दोस्त हो या हमारे परिवार में कोई हो या कोई अनजान व्यक्ति ही क्यों ना हो, तो हम क्या सोचते हैं, हमें क्या लेना देना है। मतलब कि हमारा थोड़ी कोई रिश्तेदार है, अगर हम जाएंगे तो उससे थोड़ी कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसा हमें नहीं करना है। जो सैनिक जो हमारे लिए देश पर लड़ते हैं, देश की सीमाओं पर लड़ते हैं, अगर वो ऐसा सोचे कि हम क्यों देशवासियों
देशवासियों के लिए लड़े, वो मजे से घर में बैठे आराम से टीवी देख रहे हैं, मौज कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, वो खुशियां मना रहे हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं, और हम अपने परिवार से दूर, इतनी दूर जाकर कब मौत आ जाए वो उनको भी नहीं पता है। फिर भी वो अपने अंदर एक जुनून पैदा करते हैं और वो उस जुनून के साथ वो देश की रक्षा के लिए, कि हमारे देश पर कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। आपको पता है इज़राइल जो देश है उसमें क्या कहते हैं कि उसके एक जो नागरिक होता है, उसका एक इंसान अगर मरता है, उसका एक सैनिक भी मरता है, तो हम सामने वाले दुश्मनों के 1,000 यानी एक के सामने कितने सारे लोगों को हम मार देंगे। तब जाकर सामने वाला जो दुश्मन जो है, मतलब कि जो आतंकी है या कोई भी दुश्मनी देश है, वो हमारे देश पर आँख उठाकर नहीं देख सकता है। तो उसके लिए हमारे अंदर हर एक व्यक्ति में वो जुनून होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के अंदर वो मानवता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम करो जो करना है हमारे देश के लिए, हमें क्या लेना देना, हम अपने घर में सेफ है, ऐसा नहीं करना है। अभी COVID-19 का समय है, अभी इतनी महामारी चल रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता है, आप टीवी में देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको हर चारों ओर से खबर मिल रही है। तो उसमें जो हमारे पुलिस कर्मी लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सब लड़ रहे हैं, वो सब हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार हमें समझा रहे, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, सैनिटाइज करते रहो, हो सके तो मास्क पहन कर रहो, डिस्टेंस बना कर रखो। तो थोड़ा हमें भी समझना है कि ये जो सारी बातें हैं वो हमारे लिए है। उनको क्या है कि वो हमें समझाते रहे, घर घर जाकर जो ये नर्स है वो घर घर जाकर हमें चेक करने के लिए आते हैं, वो हमें समझाते रहते हैं बार बार, वो पूरा दिन, धूप हो या गर्मी हो या बारिश हो या फिर ठंडी का मौसम हो, वो लोग हमारे लिए दिन भर खड़े रहते हैं कि हम लोग सुरक्षित रहे। तो हम अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकते, तो हम अपने देश को कैसे बचाएंगे, अपने देशवासियों की रक्षा कैसे करेंगे। हमारी भारत माता है, हमारी जो धरती है, हमारी जो माता है, मतलब कि हमारा देश, भारत देश, इसको बचाने के लिए हमें सबसे पहले तो मानवता से कोई भी काम करना पड़ेगा। हमारे अंदर एक मानवता पैदा करनी होगी जो हमें ईश्वर ने दी है, लेकिन उसको हम धीरे धीरे मिटाते जाते हैं, हम स्वार्थी बनते जाते हैं, हमें दूसरों की पीड़ा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें खुद से ही बस मतलब है कि हम और हमारा परिवार, बाकी जिसका जो होना है वो हो जाए। तो यहाँ पर मानवीय अस्तित्व यानी मानवता का होना जरूरी है। हमसे तो बेहतर वो जानवर लोग हैं, जो आप लोग देखते होंगे कि जब जानवर है वो भी अपने परिवार या दूसरे जानवर जब मुसीबत में होते हैं तो उसको बचाने के लिए सब एक होकर एकजुट होकर वो लड़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो इंसानियत धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, लेकिन उसे हमें फिर से जगाना है। कलश, कलश यानी घड़ा, कलश कहते हैं ना, हम जब नया घर लेते हैं या फिर नया मुहूर्त करते हैं उसमें सबसे पहले क्या रखते हैं, कलश रखते हैं, घड़ा, जो हम निज यानी अपना, हम कहते हैं ना ये मेरा निजी मामला है, ये मेरा अपना मामला है, खुद का प्रॉब्लम है, मेरा निजी प्रॉब्लम है, मतलब कि निज यानी अपना होता है। उन्नत बनना, उन्नत बनाना, ऊंचा उठना, ऊंचा उठाना, ये शब्दार्थ है। अगर आपको इसको लिखना है तो बेहतर है कि आप लोग लिख सकते हो, आपके लिए अच्छा है, नोटबुक में लिखो, तो अगर लिखोगे तो अच्छा है, क्योंकि आपको एक एक शब्द का अर्थ मालूम पड़ेगा।
लिखा हुआ जो होता है वो हमेशा ज़्यादा आपको याद रहेगा। जो चीज़ आप पढ़ते हो और जो लिखते हो, दोनों में फ़र्क है। ये हमने पढ़ लिया, आगे चले गए, और जो लिखते हैं, जो पढ़ा हुआ हम लिखते हैं, तो वो ज़्यादा याद रहता है। तो नोटबुक में पाठ की शुरुआत में, अभ्यासक्रम में आप शब्दार्थ नोट में लिख लेना। और आपको मैंने बताया कि अभ्यासक्रम में जो प्रश्नों के उत्तर है वो आपको होमवर्क में मिल जाएंगे। बाकी का जो बात भाषा की है वो सारा मैं यहाँ बोर्ड के द्वारा आपको लिखवाऊंगी। और पहले आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। अब है पीर। पीर यानी क्या होता है? कष्ट और पीड़ा। पीर यानी कष्ट और पीड़ा। दूसरों के पीर में हिस्सा बांटना, मतलब कि दूसरों के पीड़ा में हिस्सा लेना, दूसरों का दुख दर्द दूर करना, दूसरों के कष्ट, दूसरों की मुसीबत, उसमें हिस्सा लेना। जाह्नवी, जाह्नवी नाम है लड़की का। बहुत सारी लड़कियों का नाम होता है लेकिन जाह्नवी जो है वो गंगा है। गंगा का दूसरा नाम जाह्नवी है, भगीरथी है, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है। अब है विस्मृति, भूलना। विस्मृति यानी क्या होता है? स्मृति यानी याद रखना, उसका उल्टा विस्मृति यानी भूलना, भूल जाना। विस्मृति यानी भूल जाना, कोई भी बात को विस्मृति हो जाना, भूल जाना, दिमाग में से वो बात निकल जाना। स्मृति यानी, स्मृति यानी क्या होता है? याद रखना। और विस्मृति यानी क्या होता है? भूल जाना। तो ये उसका उल्टा अर्थ है, विलोम शब्द है। अब है सगर। सगर नाम से आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसा अटपटा सा नाम है, इसका अर्थ क्या होता है? सगर यानी राजा भगीरथ के पूर्वज जो गंगा लाए, भगीरथ के पूर्वज यानी जो राजा दशरथ थे श्री राम के पिता, उनके पूर्वज बहुत पहले के जमाने में जो थे, उनसे भी बहुत साल पहले जो उनके भगीरथ के जो थे, राजा भगीरथ के भी पहले, उनका नाम था सगर, वो एक राजा थे। अब है कदापि। कदापि यानी कभी भी, कभी भी, या हरगिज हम कहते हैं ना, मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा, मैं ये बात कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा, कभी भी मैं ये कर ही नहीं सकता, हरगिज मुझे ये नहीं करना है। तो ये जब शब्दों का हम उपयोग करते हैं, वो बोलते हैं, मतलब कि उसके बहुत सारे शब्द हैं, अर्थ एक ही है कदापि। तो आप सोचते होगे कि कभी भी, हरगिज, ऐसे शब्द सुने हैं, कदापि का अर्थ क्या होता है? मतलब कि दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब इसके आगे के शब्दार्थ हम जानेंगे। ये शब्दार्थ लिखवाने का मतलब है कि आप लोगों को जो हार्डवर्ड से, मतलब कि कुछ ऐसे शब्द है जो समझ में ना आए तो वो आप लोग समझ सको। तथापि, तथापि का अर्थ है तो भी, फिर भी, तो भी और फिर भी, फिर भी मैं पढ़ूंगा, तो भी मैं लिखूंगा, तथापि मैं ये कार्य करूंगा। फिर है अवसी। अवसी बनकर बहेगी गंगा यानी लाचार होकर वो भूतल यानी, आगे शब्द आएगा, भूतल यानी क्या होता है? धरती, जमीन पर। पाताल यानी पहाड़ों में से वो नीचे आकर बहेगी, लाचार। फिर है खलिहान। खलिहान मतलब कि जहाँ फसल काट कर रखी जाए,
खेत में जहाँ फसलें काटी जाती है और उसे फसल काटकर जहाँ पर रखी जाती है एक जगह, अब है साधना। साधना किसी का नाम भी होता है, किसी लड़की का भी नाम होता है। साधना यानी सिद्ध करना। कहते हैं ना ऋषि मुनिया साधना करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी साधना करते हैं, मतलब कि साधना करना यानी कुछ सिद्ध करना, कुछ हासिल करना, उसे क्या कहते हैं? साधना करना। साधना यानी सिद्ध करना, मतलब कि साधना करना। अब उसके आगे है क्लेवर। क्लेवर का अर्थ क्या होता है? क्लेवर मतलब कि रूप, उसका क्लेवर बदल गया, पूरा क्लेवर ही बदला हुआ है। ऊपरी चढ़ाव, ऊपरी ढांचा, देह, क्लेवर, रूप, देह, मतलब कि हमारा जो शरीर है उसके ऊपर का जो रूप है, जो हम ऊपरी ढांचा, मतलब कि हम लोग ऐसे तैयार होते हैं, हमारे अंदर कुछ अलग बात होती है, हमारे ऊपर चेहरे पे कुछ, कहते हैं ना, दिखावा कुछ और अंदर कुछ और, मतलब कि हम दिखाते कुछ और है, कहते कुछ और है, मतलब कि उसे क्या कहते हैं? क्लेवर, यानी रूप, देह और ऊपरी ढांचा, ऊपर जो चेहरे पर दिखावा हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऊपरी ढांचा। ये सारे शब्दार्थ है वो आपको नोट में लिखने हैं और उसके बाद अभ्यास क्रम स्टार्ट करना है। मैंने बोला पहले भी कि शब्दार्थ के बाद अभ्यास क्रम जो है, प्रश्नों के उत्तर वो आपको होमवर्क के जरिए मिल जाएंगे, ठीक है। और बात भाषा की हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब है अभ्यास, ठीक है। अभ्यास में बात भाषा की से हम स्टार्ट करेंगे। बात भाषा की जब हम क्लास में लिखते हैं तो प्रश्नों के उत्तर, MCQs, ये सब हम पहले लिखते हैं, फिर अभ्यास के, फिर हम बात भाषा की स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं होमवर्क में ये सारा जो आंसर के साथ है वो आपको भेज दूंगी PDF के जरिए, और आपको पहले टेक्स्ट बुक में फिर बाद में नोट में लिखना है। और हम बात भाषा की से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है वर्ण विच्छेद, फिर है पर्यायवाची, ठीक है। चलो प्रश्न एक, वर्ण विच्छेद, क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सभी क्लासों में आप लोग पढ़ चुके हो वर्ण विच्छेद। वर्णों को जोड़ो, वर्ण विच्छेद में क्या होता है, वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें से क्या क्या हट जाता है, क्या लगता है, ये सारी बातें आपको पता है। फिर भी हम यहाँ पर फिर से इसकी चर्चा करेंगे। वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला दिया हुआ है प्रस्तर यानी पत्थर, इसका हमें विच्छेद करना है। वर्ण यानी व्यंजन में से स्वर को हमें हटाना है। प्र, स, त, अ, र, अ। प्रस्तर में प्र, मतलब कि पहले तो प्र को हमें अलग करना है, प, र, अ, प्र में अ हट जाता है। फिर स्त, स, त से जुड़ा हुआ है, पहले तो हमें स को अलग से लिखना है, उसमें हलंत लगता है। फिर त और अ को हमें अलग करना है, उसमें से अ को हमें स्वर को अलग करना है।
और र अ, ये हुआ प्रस्तर का विच्छेद। दूसरा है खुशिया, दूसरा क्या है खुशिया, उसको हमें अलग करना है ख उ छोटा उ, श ई और य आ, जिसमें ये मात्रा लगेगी। खुशिया यानी बहुवचन शब्द है, य में बहुवचन आता है, खुशी महसूस होना और खुशियाँ देना, बहुत सारे लोगों को खुशियाँ मिलना, यानी ये बहुवचन शब्द हो गया, इसमें मात्रा ये आएगी आ में। फिर है ग, निर्माण, किसी बात का निर्माण यानी कुछ करना, शुरुआत करना, निर्माण। न ई र म आ, निर्माण, इसमें र की मात्रा है तो हमें र को अलग करना है, म को अलग करना है और म में से अ को भी अलग करना है। आ की मात्रा आएगी ण और अ, निर्माण। न ई र म आ, मा र की मात्रा और ण अ, मतलब कि प्रस्तर, खुशिया और निर्माण, इन तीन शब्दों को हमने वर्ण विच्छेद किया। इनमें से हलंत लगा, जब वर्ण को जोड़ना होता है तो हलंत हट जाता है और पूरा वर्ण, स्वर और व्यंजन एक हो जाता है। तो आप लोगों को ये टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, टेक्स्ट बुक के बाद हिंदी की नोट में आपको ये जो बात भाषा की है, पाठ एक अभ्यासक्रम, पेज नंबर है 13, ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में ये कंप्लीट करना है, उसके बाद हिंदी की नोट में लिखना है और जो प्रश्नों के उत्तर है, MCQs है, वो PDF के जरिए आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, वो भी आपको टेक्स्ट बुक में और नोट में, दोनों में कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे का जो है अभ्यास, पर्यायवाची शब्द है, फिर द्विवित व्यंजन है, फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसकी चर्चा हम आगे के लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।